सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है 26 जनवरी और आज सरस्वती पूजा भी है, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। तो आज जाएंगे छोटा मोटा राइड के लिए, तो मैं निकला हूँ मम्पी के साथ और आगे मेरा दोस्त है। आगे जाके आप लोग को मिलाते हैं और एक छोटा मोटा राइड मार लेते हैं आगे जाके। और ये मेरे साथ है, ये भी जा रहा है। तो हम लोग का एक्चुअली प्लानिंग है जाने का नामरूप वाटरफॉल, तो देखते जाके वाटरफॉल पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे दिल्ली घाट, जाएंगे नामरूप का। सो चलते हैं अभी। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा बिकॉज थोड़ा मेरा प्रॉब्लम भी था, मैं थोड़ा एक जगह में मतलब काम भी करता हूँ, सो इसलिए व्लॉग डेली नहीं आ रहा है। सो एक काम कीजिए गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करके रख दीजिए, लेकिन संडे में वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। और मतलब कि ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, पाई नहीं है गाइस, मेरे पास माइक भी नहीं है, तो क्या करेगा। और ऐसे ही आप लोग मैनेज कीजिए कुछ दिनों तक, बस मैं एक माइक भी खरीदने वाला हूँ। सो माइक लगाने से बस कोई टेंशन नहीं है गाइस, बिंदास व्लॉग बनाएंगे और बहुत जगह घूमेंगे। तो पहले आज जाते हैं, बस ये मेरा दोस्त निकल गया, सो चलते हैं अभी पूरा। आप थोड़ा बस व्यू का इंजॉय कीजिए और बाकी देखते रहिए। तो पहले जा रहे हैं हम लोग दुलियाजान, तो पहले यहाँ से दुलियाजान क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद रिफ्यूलिंग भी करना पड़ेगा, बाइक में पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है, तो जाके पेट्रोल भराएंगे और फिर चलेंगे। पहले यहाँ से दुलियाजान पहुँचते हैं और इसका बाइक देख सकते हो गाइस, सेक्सी है, मतलब देखो एक बार। और ये मेरा दोस्त का नाम है संजय और पीछे जो बैठा है वो रोहन। सो हम लोग दोनों एक साथ ही बहुत दिनों बाद, इसका एक्चुअली ना इसका बाइक वे में मैं वीडियो लाऊँगा, उसका अभी मतलब बहुत मोटिवेशन क्या हुआ है और दिखाएंगे आप लोग को बहुत। सो अभी चलते हैं थोड़ा। और गाइस आज रास्ता में मतलब बहुत सरस्वती माँ देखने मिलेगा हम लोग को, आज सरस्वती पूजा भी है ना गाइस, तो देख। तो गाइस फर्स्ट से प्लानिंग हुआ मतलब आज जाने के लिए, तो बहुत दिनों से पता है व्लॉग नहीं हुआ, तो गाइस मैं रेगुलर होने का कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो मैं जल्दी रेगुलर हो जाऊंगा बिकॉज अभी मेरा मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है। सो इसलिए मैं डेली व्लॉग पॉसिबल ही नहीं है मतलब मेरा, एक्चुअली मैं नया नया हूँ, सो एक्चुअली मेरे को डेली व्लॉग डालना चाहिए बट अभी नहीं हो रहा गाइस। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मैं थोड़ा सा डेली में आऊँगा गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए गाइस। जो देख रहे हो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कुछ। आई थिंक मैं न्यू हो तो कुछ उल्टा पुल्टा हो ही सकता है गाइस, मेरे को पता है। सो आप जो भी है मतलब कमेंट में बताइए, जो ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सो आप बताइए, सजेशन कीजिए मुझे, तो मैं थोड़ा रिकवर करने वाला हूँ। और गाइस माइक के लिए मैं मतलब ऑर्डर तो किया हूँ, अभी तक आया ही नहीं, एक बार कैंसिल हो जा रहा है, क्या क्या हो रहा है गाइस, तो देखते कब तक आएगा माइक। आ जाने से भाई कोई टेंशन ही नहीं है, बिंदास व्लॉग बनाऊंगा। और गाइस ये व्यू भी मज़ा आ रहा है मेरा, ये कैमरा एंगल भी पूरा ठीक ही है, तो मैं एक्चुअली वॉइस ओवर ही दे रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा नॉइज़। तो चलते हैं, अभी दुलियाजान पहुँचने ही वाले, तो सीधा दुलियाजान पेट्रोल पम्प में मिलते हैं आप लोग को। तो गाइस फाइनली हम लोग पेट्रोल पम्प पहुंच चुके हैं और ये संजय वहाँ पे रुकने वाला है और मैं जाता हूँ अंदर पेट्रोल भरा रहता हूँ बिकॉज उसका शायद पूरा पेट्रोल की फुल ही होगा, तो मैं वहाँ से पेट्रोल भरा के नहीं आया था, तो यहाँ पे पेट्रोल पहले भरा लेता हूँ। तो पेट्रोल भरा लेते थोड़ा, शायद एंगल खराब आ सकता है, मैंने सेटअप नहीं किया, तो चल दे अभी।
तो गाइस मस्त पेट्रोल भरा लिया और अभी निकलते हैं हम लोग सीधा राइड के लिए। तो अभी जाएंगे सीधा नारकटिया, उसके बाद जाएंगे नामरूप पहुंचेंगे और नामरूप पहले जाएंगे हम लोग वाटरफॉल, उसको उसका आई थिंक उसका नाम जैक वाटरफॉल ऐसा कुछ है। सो सीधा जाएंगे उधर और मेरा वो फर्स्ट टाइम का, एक्चुअली मैं कभी गया नहीं था, तो मेरा भी वो फर्स्ट टाइम होगा और मंटी का भी फर्स्ट टाइम होगा। और मैं दिल्ली घाट गया हूँ और एक बार दिल्ली घाट भी जाएंगे, पहले जाएंगे वाटरफॉल उसके बाद जाएंगे दिल्ली घाट। तो पहले यहाँ पे चलते हैं, अभी ये है कमलाबाड़ी दिल्ली हजार। सो इधर का रास्ता देख सकते हो गाइस, पूरा धुला धुआ और ऑफ रोड, जगह जगह में मतलब गड्ढा, वो गड्ढा नहीं है कुआ है, कुआ। भाई कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ना फट से, मतलब डिवाइडर का मिडिल से भी फट से कोई आ जाता है बिना इंडिकेटर, बिना हाथ दिखाए कुछ भी, मतलब ऐसे ये डिवाइडर होके भी मतलब थोड़ा थोड़ा डर लगता है। पैसे भी पीछे मेरा मामी बैठा हुआ है और मैं लड़की लेके थोड़ा रिक्स ले ही नहीं सकता भाई, थोड़ा सा भी रिक्स लेने का ही नहीं। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ इसलिए मज़ा से जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, मतलब एकदम मस्त जाएंगे, मस्त आएंगे भाई, इतना कोई जल्दी नहीं है, बिंदास जाएंगे और राइड का अच्छा से मज़ा लेंगे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा सीधी यहाँ पे और अब जाके थोड़ा राइट लेंगे। सो गाइस हम लोग अभी नाहरकटिया क्रॉस कर चुके हैं, तो मैंने सोचा था कि कैमरा ऑन ही है, लेकिन मैं बाद में जाके चेक कर रहा हूँ तो पूरा कैमरा ही ऑफ था। तो हम लोग नाहरकटिया मेन टाउन पार कर चुके हैं, तो अभी हम लोग नाहरकटिया पार करके एक नाहरकटिया, ये शायद नाहरकटिया कॉलेज होगा। सो हम लोग नाहरकटिया पार मेन टाउन पार कर चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा नामरूप तरफ। और अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा एकदम लोग, मतलब यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन मेरे को पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों रिएक्शन मिल रहा था, सब कोई मतलब कोई कोई घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है, पता नहीं क्यों गाइस पूरा घूर घूर के देख रहा था। सो थोड़ा पब्लिक रिएक्शन भी मिल गया मेरे को। और गाइस तो गाइस अभी सीधा चलते हैं नामरूप तरफ और आप लोग बस रास्ता का इंजॉय कीजिए और व्यू देखिए बस। और माइक आने से बहुत बात करूँगा आप लोग के साथ, अभी बस थोड़ा तो मैनेज कीजिए आप लोग, बस गाइस सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जल्दी जल्दी मेरे को 1K करा दो गाइस। आई नो बहुत टाइम है लेकिन आप लोग के हाथ में, आप लोग चाहे तो एक दिन में करा सकते हो। सो गाइस हम लोग को मतलब रास्ता इतना पता नहीं, तो हम लोग यहाँ से पूछ ले कि किधर वाटरफॉल है, देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा ऑफ रोडिंग, मतलब पूरा यहाँ से ऑफ रोडिंग रास्ता है,
एकदम मेन रोड ही नहीं है, मतलब यहाँ पे पूरा छोटा छोटा पत्थर रोड, ये बस ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड भाई। यहाँ से थोड़ा सा दूरी है वाटरफॉल, ऐसे ही ऑफ रोडिंग गाइस, पूरा एकदम ऑफ रोडिंग करके जा रहा हूँ और चलते हैं अभी आगे देखते हैं। सर हम लोग को लगता है कि बाइक शायद इधर ही रखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। गोली लगे जा तो गाइस देख सकते हो व्यूज। तो गाइस इधर से घूम के जाना पड़ेगा, तो पता था यही एक रास्ता है गाइस। So guys, इधर से जाना पड़ेगा हम लोग को इसका घर का अंदर से जा रहा है पता भी नहीं। बहुत छोटा रास्ता है, छोटा मोटा रास्ता। पिकनिक भी चल रहा है गाइस, लुक एट द व्यू गाइस, ओहो ओहो गाइस वाओ। सो गाइस ये व्यू वाटरफॉल, सो गाइस अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये पीछे देख सकते हो वाटरफॉल है। और ये मेरा दोस्त गाइस, इसका बाइक एक बार चेक करो, इसका बाइक चेक करो गाइस, पूरा मतलब मॉडिफिकेशन करके रखा है। और मेरा साथ ये रोहन,
और मेरा साथ मम्मी, ये तो अपना फेस दिखाएगा नहीं, तो अभी चलते थोड़ा उस तरह वाटरफॉल देखते हैं। इसके लिए बाय गाइस, इसके लिए इतना इंतजार किया, मतलब क्या ही बोले गाइस, इतना इंतजार किया इसके लिए, और अभी बस इंजॉय, अभी बस इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। तो गाइस अभी मतलब इधर का व्यू देख लीजिए, तो अभी ऊपर से जाएंगे, ऊपर का ऊपर से मतलब आप लोग को व्यू दिखाएंगे गाइस, देख सकते हो ये वाटरफॉल। आज मतलब पूरा भीड़ है और पिकनिक, शायद कोई पिकनिक भी कर रहा है सब कर रहे हैं गाइस, बहुत ठंडा होगा शायद पानी। तो गाइस अभी आपको ये चेक करो, बस ये चेक करो। नीचे देख सकते हो गहरा, बहुत ज्यादा गहरा। तो गाइस यहाँ से व्यू, तो गाइस अभी यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, देख सकते हो पोज देके पूरा खड़ा हुआ है संजय भाई, और ये रोहन भाई उसको फोटो क्लिक कर रहे हैं कैमरा मैन। और गाइस हम लोग, हम दोनों देखा है, हम लोग को फोटो वोटो खींच के नहीं दे रहे हैं, हम लोग का ही देख रहे हैं, तो देख सकते हैं लोग। तो गाइस मेरे को मन कर रहा है ना जाके थोड़ा नहा ही लूँ, ऐसा मन जा रहा है। तो गाइस फोटो शूट एक काम कर जाएगी है ना, किटोर हम जाएंगे कि ऐसा हम लोग तो जिन्हें तुम लोग काम होंगे, हम लोग तो है ही, हम लोग तो है ही नहीं भाई। तो गाइस मेरा बाइक को देख सकते हो, यहाँ पे हेलमेट स्टैंड लगा के रखा है, ये रहा हेलमेट स्टैंड, तो देख सकते हो ऑफ रोडिंग ब्रो, ऑफ रोडिंग, ये गाइस फंस गया बाइक, आई नो मेरा भी फंसेगा गाइस, गाइस 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 तू तो 20 का पावर देखना है, तू हमको उठा 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 उठा, ओ गाइस साइड में चला जा। और बेनपुर अभी भाई लोग रूपम जा रहा है, हाँ चलो भाई आंदे 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 आ गया, सॉरी ब्रो यू कांट ब्रो, जा जा भाई जो नहीं हो पाया रूपम से भी, उसने भी गलती कुछ कर दी इसलिए उसका भी बाइक फंस चुका है। हो गया उसका भी बाइक आ गया, अभी कुछ हम लोग खा लेता है, उसके बाद फिर से ब्लॉग शूट होगा। ओके ब्रो, तो बहुत मेहनत लगा उठाने में, फंस गया रहा, पीछे का टायर भी खत्म है भाई, पंचर मत हो जाना। तो गाइस अभी कुछ खा लेते हैं, टायर का माँ की आंख हो चुका था और 5 मिनट के लिए बस वो खत्म था। गाइस बाइक यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी छूट चुका है, देख सकते हो गाइस, कभी चिपकाना पड़ेगा। तो अभी कुछ खा लेते, तो गाइस अभी कुछ खा लेते, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, ऐसे नॉन मिले यहाँ पे जो मिलेगा वही खाते, और ठीक है ओके गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कुछ खाना वाना खा लिया है, बस ऐसे छोटा मोटा कुछ खाया, तो अभी जाते हैं फिर यहाँ से निकल के और एक जगह भी जाना है आपको, तो देखते हैं वहाँ पे बस रास्ता ही भूल गया। अच्छा इस तरह से हैं
तो यहाँ से आप लोग उतर जाओ भाई, जो भी जाता है इधर से गिरे तो सीधा खत्म। इसका घर का ऊपर से जा रहे भाई, कहाँ जाएगा? फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली घाट, और ये है दिल्ली घाट, पूरा देख सकते हो आर्मी चारों तरफ से। मतलब यहाँ पे बहुत स्मगलिंग वगैरह होता है शायद, इसलिए चारों तरफ आर्मी रहता है। और ये है दिल्ली घाट, और ये है दिल्ली घाट ब्रिज। तो हम लोग नीचे नहीं गए, बस ऊपर तक ही वीडियो बनाए, बस ऐसे ही है दिल्ली घाट ब्रिज गाइस, देख सकते हो गाइस। और आगे जाके थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा सा व्यू देते हैं आपको। तो गाइस दिल्ली घाट पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं ना, है दिल्ली घाट, देख सकते हो गाइस है दिल्ली घाट। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली घाट, और ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तब सेटिस्फाई कभी होगा ही नहीं, फोटो शूट कर ही रहा है तब से। और इधर देख सकते हो कि गाइस भाई कुछ बोलो, ये भाई ठीक है, ये अभी नहीं बोलो जुबा केसरी। सो गाइस ब्रिज, और इधर का व्यू चेक करो गाइस, उधर पिकनिक वगैरह चल रहा है, ये पिकनिक प्लेस ही है एक्चुअली, पूरा पिकनिक वगैरह चल रहा है। और इस तरफ देख सकते हो पूरा पहाड़, और ये है दिल्ली का, दिल्ली घाट का ब्रिज। और ये है हम लोग, हम लोग का बाइक। तो गाइस हम लोग मतलब दिल्ली घर से निकल चुके थे, और यहाँ पे क्या हुआ, पीछे से एक बंदा आके पीछे से हॉर्न मार ही रहा है, हॉर्न मार ही रहा है, ये साइड में जैसे तो स्कूटी लेके निकला, और यही बंदा पीछे जाके हॉर्न मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। मैंने सोचा क्या हुआ भाई, पीछे से क्यों हॉर्न मार रहा है, तो मैं बस घूम के देखा और कुछ किया ही नहीं, बस ऐसे वो मतलब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोल ही रहे गाइस। देखो अब थोड़ा देर, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि तो गाइस मैंने इतना बोल के वहाँ से निकल गया क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो पूरा मतलब दारू पिया हुआ बंदा था, और आके ऐसे उन लोग का ही जगह है तो पूरा कुछ कुछ बोल रहे, तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया उससे, जितना हुआ बात किया, बस वहाँ से इस पीछे चला गया क्योंकि मेरे साथ मम्मी भी था, तो मैं वहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, उसको वहाँ से निकल गया। और गाइस अभी पता है गाइस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मेरा फर्स्ट वीडियो है इतना लंबा,
तो गाइस पूरा देखे तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो और थोड़ा सा है उसके बाद सीधा घर जा रहे हैं अभी। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी दुलियाजन। यहाँ पे संजय है और रोहन थोड़ा कुछ लाने के। तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना भाई।